तेरा पंथ धर्म संघ के आज तक जितने भी आचार्य हुए और वर्तमान में आचार्य महाश्रमण जी देश और विदेश के अंदर धर्म की, नैतिकता की और आज की ज्वलंत समस्या भ्रष्टाचार और अन्य तरह के जो अहिंसा प्रवृत्ति चल रही है उसके लिए प्रचार प्रसार पद यात्रा करते हुए लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जहाँ धर्मकार इन चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं वहीं सामाजिक कार्य करने के अंदर भी, चाहे वो पानी बचाओ, चाहे वो पेड़ पौधे लगाओ, चाहे वो आज की समस्या लोगों को खून की आवश्यकता है, क्योंकि जितनी बीमारियां हैं उनमें खून की बड़ी आवश्यकता रहती है। 2012 के अंदर एक प्रोजेक्ट हमारी तेरा पंथ धर्म संघ की युवाओं की शाखा तेरा पंथ युवक परिषद, अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद, उन्होंने ये दायित्व अपने हाथ में लिया और एक मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव चालू किया। और ये सिर्फ देश देश में नहीं, 17 तारीख को पूरे देश और 15 विदेशों के अंदर भी एक साथ ये ब्लड कैंप लगते हैं। अब तक लगभग 1.5 लाख यूनिट रक्तदान करवाया जा चुका है और लगभग 2000 रक्तदान शिविर लगाए गए और 18 देशों में भी 36 रक्तदान शिविर लगाए गए। हमारे भारतवर्ष की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है, उसके अंदर लगभग 52 करोड़ ऐसे स्वस्थ लोग हैं जो अपना ब्लड देने में सक्षम है। हम उन 52 करोड़ों को जागरूक करके अगर ये ब्लड कैंप का आयोजन करते रहें तो आज जो हमारे देश में खून की आवश्यकता है उसकी पूर्ति आराम से की जा सकती है। छः सितंबर 2014 को देश के 286 स्थानों पर 682 रक्तदान शिविरों के माध्यम से 1,212 यूनिट रक्त संग्रह के साथ साथ संस्था ने ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। आज ये 58वें स्थापना दिवस को 17 तारीख को मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विशेष तौर पर इस बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 72वां जन्मदिवस भी है। और इस संस्था ने ई रक्त कोष पर एक ऐसा डाटा बैंक तैयार कर देश को समर्पित करने का काम किया है ताकि भविष्य में कभी भी कोई आपातकालीन स्थिति देश में आए तो हम एक साथ खून की वजह से किसी की जान ना जा पाए। ग्यारह राज्यों में 66 आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर के माध्यम से उच्च गुणवत्ता युक्त रोग निदान एवं जांच कार्य भी विशेष तौर पर चल रहा है ताकि लोगों को आज के इस महंगाई के अंदर
कम पैसे पर अच्छी सुविधा डायग्नोस्टिक की मिल सके। इसी सामाजिक कार्य के अंदर एक नेत्रदान की प्रेरणा के साथ प्रतिवर्ष सैकड़ों नेत्रदान करवाए जा रहे हैं और अभी बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक आपदाओं के समय हमारी एक 13 पंथ टास्क फोर्स भी बनाई हुई है। उसके माध्यम से जब भी देश के अंदर कोई ऐसी स्थिति आती है और सरकार याद करती है तो ये टास्क फोर्स वहाँ पहुँच कर अपना कार्य बखूबी निभाने का काम करती है। और बाकी अभी जो 17 तारीख को जो यहाँ पर सरसा में भी 4 जगह हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाने जा रहे हैं। पहला तो अपने यहीं इस भवन के सामने धर्मशाला है, उसके अंदर हमारे मुख्य अतिथि माननीय SP साहब होंगे और एक जिला कचहरी के अंदर लगाया जा रहा है जहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर हमारी सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी पहुँच रही है। वहीं शिव शक्ति ब्लड कैंप के अंदर हमारे माननीय नवनियुक्त हमारे उपायुक्त महोदय इसको प्रारंभ करने का काम करेंगे। इसी प्रकार से गली नंबर 8 प्रीत नगर बेदू रोड पर हमारे माननीय CMO साहब इसके अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचकर ये कार्य प्रारंभ करने का काम करेंगे। और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमारी सभा के अध्यक्ष माननीय देवेंद्र जी आपको विशेष तौर पर और बताएंगे भाई क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अब युवाओं का टाइम आ गया, आप लोग भी युवा साथी हो और इनको तैयार होना है और इनको बताना है भाई क्या करना है। 17 सितंबर को पूरे देश में एक रक्त मुहिम रक्तदान अमृत महोत्सव के रूप में बनाया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य जन जागृति लाना और एक ऐसी टीम तैयार करना कि ब्लड के कारण से कभी कोई वंचित ना रहे। जैसे भी आदरणीय पदम जी ने बताया कि ई रक्त कोश, आज से पहले कभी भी ब्लड कैंप होते थे तो किसी के पास डाटा संग्रहित नहीं होता था। भारत सरकार के साथ मिलकर जैसे आरोग्य सेतु ऐप हमारा काम कर रहा है वैसे ही ई रक्त कोश काम करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही द्वारा ये ऐप बनी है जिसके अंदर 17 सितंबर के बाद कोई भी कैंप लगेगा वो सभी कैंप पूरे इंडिया में कहीं पे भी कोई भी कैंप लगे, कोई भी ब्लड कैंप लगाने जाए तो उसको इसमें रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा। उससे क्या होगा फ़ायदा, सपोज करो आज हमें सिरसा में कहीं पे ज़रूरत है, किसी को दिल्ली में ज़रूरत है तो हमें ब्लड डोनर की एक पूरी लिस्ट उसके माध्यम से मिल जाएगी। और जैसे आरोग्य सेतु ऐप में हम वैक्सीनेशन के बाद हमें एक सर्टिफिकेट जनरेट होता था वैसे ही भारत सरकार के द्वारा एक सर्टिफिकेट हर डोनर को प्रोवाइड किया जाएगा, करवाया जाएगा। एक बहुत बड़ी मुहिम है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें अपनी फ़ोटो यूज़ करने के लिए दी, साथ ही साथ भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह शेर का वो भी हमें यूज़ करने के लिए दिया। इसके साथ साथ आज रेलवे के अंदर आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी रेलवे स्टेशन पर सभी जगह आपको एक ही आवाज़ सुनाई देगी, 17 सितंबर को ब्लड डोनेशन जरूर करें। एक देशव्यापी जिसको मुहिम को हम लेके चले थे, हमारा 1000 कैंप लगाने का लक्ष्य था जो अब बढ़ के 2000 कैंप हो गया। कारण उत्साह, अनेकों NGO का स्थानीय स्तर पर जोड़ना, अनेकों NGO को नेशनल लेवल स्तर पर जोड़ना, उन सभी के कारण से ही ये पॉसिबिलिटी बनती जा रही है। आज हम 2000 की ओर अग्रसर हैं और कल शाम तक हमारे लगभग 1350 कैंप रजिस्टर्ड हो चुके थे नई ई रक्त पोर्टल के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होने जा रही है और भारत में इससे पहले, भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इससे पहले, आज से पहले इतने कैंप एक साथ ऑर्गेनाइज नहीं हुए हैं। जो इससे पहले हाइएस्ट थे वो 800 प्लस
कैंप थे, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी एक अपने आप में बनने जा रहा है और एक ऐसा डाटा संग्रह हो जाएगा उसके बाद हमें, कि हमें ब्लड के लिए कहीं पे इधर उधर जाने की, किसी से संपर्क कैसे करें, जैसे नेगेटिव ब्लड बहुत कम मिलता है तो कैसे संपर्क करें, तो उसमें आप ओ नेगेटिव लिखेंगे आपको डोनर सभी मिल जाएंगे, हर स्टेट के, हर ज़िले के, हर गांव के सभी, उसके अंदर पूरा ब्रीफ उसमें रहेगा। इसके साथ साथ अनेकों नेताओं के, अनेकों एथलीट, नीरज चोपड़ा जी ने, और अभी आप ट्विटर पे जब देखेंगे तो लगभग लगभग 3 दिनों से 4 दिनों से मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव ही सब्सक्राइब कर रहा है सभी जगह। आप जब ट्विटर यूज़ खोल के देखेंगे तो लगभग, मेरे पास कल एक जने ने मैसेज भेजा कि MBDD इतना पॉपुलर हो चुका है कि ट्विटर के अंदर हर एक सेलिब्रिटी अपने ट्विटर अकाउंट पे इसको शेयर कर रहा है। तो ये भारतवर्ष के लिए बहुत गौरव की बात है। और हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय स्तर पे भी 17 NGO काम कर रही है, जिसकी डिटेल हम आपको प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम दे रहे हैं। कोर्ट के अंदर, जैसे आदरणीय पदम जी ने बताया कि कोर्ट के अंदर 4 लोकेशनों में हमारे कैंप लग रहे हैं। कोर्ट में गणेश जी सेठी जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, उनका सहयोग मिल रहा है। डायमंड ग्रुप है हमारे प्रीतनगर में, उनका हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, उनकी लोकेशन पे ही हम ये कैंप लगाने जा रहे हैं। और शिव शक्ति ब्लड बैंक में बहुत सी NGO वहाँ पे इकट्ठा होकर ये ब्लड कैंप लगा रही है। और स्थानीय सामने वर्तमान जैन धर्मशाला में समाज के द्वारा और आसपास की जो और NGO हैं उनको यहाँ पे लोकलाइज किया है। और हमने ब्लड का जो लक्ष्य है, इस पर कोई लक्ष्य नहीं रखा है कि हमने इतने लाख यूनिट्स करने हैं या इतने वो करने हैं। जितनी टीम, ब्लड टीम को ज़रूरत है, हम उतने ही उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। ये कहीं पे भी अननेसेसरी ब्लड डोनेशन कहीं पे भी नहीं कर रहे, पर साथ सभी को जोड़ रहे हैं, क्योंकि जितना हम साथ जोड़ेंगे उतना ही इस कार्यक्रम को सफल बना पाएंगे। और आप सबकी मंगल कामना चाहिए, और आप सबसे निवेदन भी है कि उस दिन अपने नियर बाय सिरसा में जहाँ पे भी आप रहें वहाँ पे ब्लड डोनेशन जरूर करें और इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ें। ओमर मीडिया जगत के जागरूक ऊर्जावान पत्रकार बंधुओं, संवाददाताओं, भाइयों बहनों, राष्ट्रीय 13 पंथ योग परिषद के निर्देशन में पूरे भारतवर्ष और विदेशों तक की शाखाओं के तत्वावधान में रक्तदान का अमृत महोत्सव ब्लड कैंप 17 सितंबर को आयोजित होने जा रहे हैं। उनमें सिरसा युवक परिषद भी बड़े उत्साह से शहर के प्रमुख 4 स्थानों में आयोजित कर रही है। खून की एक बूंद भी किसी की नैतिक चेतना को जगाए तो ये मानवता की सेवा है। खून की एक बूंद भी किसी की नैतिक चेतना को जगाए तो यह मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। मानव जाति एक है, सभी के रक्त का रंग लाल है। किसी भी जाति, वर्ग और समुदाय को मत बांटो। किसी के गिरते हुए को गले लगाना, परोपकार के लिए हाथ बढ़ाना इंसानियत है। रक्त की एक एक बूंद का मूल्य मानवता की सेवा, और आचार्य महाश्रवण की दृष्टि से उनकी अहिंसा यात्रा का उद्देश्य है नशा मुक्त समाज, सद्भाव, भाईचारा, नैतिक मूल्य और नारी सशक्तिकरण की दिशा में समाज आगे बढ़े। बाल पीढ़ी के लिए डांस, ड्रिंक आदि जो बुराइयां हैं वो उनसे मुक्त कैसे रहे। हमारी बाल पीढ़ी, युवा पीढ़ी इन बुराइयों से मुक्त हो, इसमें साधु संतों का हाथ तो है ही, आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है, होगा ऐसा विश्वास है। हमारा मस्तिष्क, हमारे हाथ, हमारा हृदय, ये तीनों पवित्र रहे, इसके लिए आचार्य महाप्रज्ञ ने अहिंसा यात्रा का अभियान शुरू किया है। पूज्य प्रवर सिंह निर्देशानुसार समाज के क्षेत्र में युवक परिषद युवाओं की ये करीब 800 शाखाएं पूरे देश में अनेक क्षेत्रों में बहुत उल्लेखनीय कार्य कर रही है। ज्ञानशाला के माध्यम से
बच्चों में संस्कार आए, युवाओं में संगठन, सेवा, संस्कार, अहिंसा और मैत्री का विचार आगे बढ़े, देश और समाज का नाम रोशन करे, यही अपेक्षा है। उसमें सिरसा युवक परिषद अखिल भारतीय तेरा पंथ के निर्देशन में अनेक उल्लेखनीय कार्य कर रही है। यह परिषद हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और भविष्य में प्रगति करे, ऐसी शुभाशंसा है। इसमें आयोजित होने वाले ब्लड कैंप में सभी उत्साह से सहभागी बने और इनका आयोजन सफल हो और मीडिया जगत इसमें पूरा पूरा अपना सहयोग दे। आज आप सब लोगों की उपस्थिति में, आप सब लोगों के मिलकर के हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ये आपकी बहुत बड़ी सेवा है। हम अपेक्षा रखते हैं कि आप इस नैतिक चेतना की सेवा में और ऐसे कार्यक्रमों में विशेष रूप से अपने पेपर में कार्यों में इनको अंजाम दें, इनको स्थान दें और आगे काम करें। इसी भावना के साथ शुभाशंसा ओम आराम।